अस्सलामुअलैकुम। अगर आप WhatsApp यूज़ करते हो तो WhatsApp की बहुत ही कमाल की ट्रिक्स मैं आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहली ट्रिक शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रिक ये है कि अगर आप अपने मोबाइल में किसी बंदे का नंबर सेव किए बिना उसको मैसेज करना चाहते हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। किसी भी बंदे को मैसेज करने के लिए आपने पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है WA.ME, आगे आपने स्लैश डालनी है और उसके बाद आपने कंट्री कोड लिखना होता है। मैं पाकिस्तान में मैसेज करता हूँ तो 92 लिख रहा हूँ। आप अगर इंडिया में करना चाहते हैं, मलेशिया में करना चाहते हैं, अमेरिका में करना चाहते हैं तो आपने पहले कंट्री कोड लिखना होगा। उसके बाद आपने अपना नंबर जिसको आपने मैसेज भेजना होगा वो राइट करना है। तो राइट करने के लिए आपने 0 नहीं डालना, 3 से शुरू करना है। मैं यहाँ पर नंबर 1 राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने नंबर राइट किया है और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने नंबर इस तरह किया है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यू चैट का ऑप्शन आ गया है। आपने कंटिन्यू चैट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप चैट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और आसानी के साथ मैसेज भेज सकते हैं बिना नंबर को सेव किए। उसके बाद ट्रिक आती है कि अगर आप अपने WhatsApp में एक बहुत ही कमाल का फीचर लाना चाहते हो, अगर आप किसी भी बंदे को मैसेज भेजते हो, अगर आप किसी वर्ड को यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आपने बोल्ड किस तरह करना है। आपने किसी भी वर्ड को बोल्ड करने के लिए यहाँ पर पहले स्टार लगाना है और यहाँ पर आपने वो वर्ड लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी वर्ड। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मैंने हेलो लिखा है, तो आगे मैं दोबारा स्टार लगा देता हूँ। तो अभी आप देखें कि ये यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत ही कमाल की ट्रिक, उसके लिए आपने यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना है। पहले अंडरस्कोर क्या होता है ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना नेम लिखें या कुछ भी लिखें। मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ। नेम लिखने के बाद आपने दोबारा लास्ट में अंडरस्कोर डाल देना है। तो अभी आप देखें कि ये इटैलिक हो गया है। आप इटैलिक करके भी मैसेज भेज सकते हो। ये भी बहुत ही एक कमाल की ट्रिक है। आप अगर चाहते हो कि आपको कोई भी बंदा अगर मैसेज करता है तो उसके पास ब्लू टिक्स शो ना हो, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आपने पहले अपनी WhatsApp की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। WhatsApp की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अकाउंट मिलेगा। अकाउंट में आने के बाद आपने प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाकर आपने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीड रेसिप्ट। आपने रीड रेसिप्ट को यहाँ पर डिसेबल कर देना है। और अभी क्या होगा कि आपको कोई भी बंदा मैसेज भेजता है और उसको ब्लू टिक्स शो नहीं होगी। ये भी बहुत ही एक कमाल की ट्रिक है। उसके अलावा एक और ट्रिक जो कि बहुत ही कमाल की है, अगर आप किसी भी बंदे को मैसेज भेजना चाहते हो बिना WhatsApp को ओपन किए, WhatsApp को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, WhatsApp को ओपन किए बिना, ऑनलाइन हुए बिना आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, पहले आपने अपने होम स्क्रीन वाले बटन को यहाँ पर प्रेस करना है जो दरमियान में आपको बटन दिखाई दे रहा है। ये काम आपने गूगल असिस्टेंट से करना है। तो यहाँ पर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं माइक का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मुझे बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ। राइट करने के लिए यहाँ पर मैं राइट करता हूँ WhatsApp message to मैंने यहाँ पर राइट किया है WhatsApp message to my number। तो ये अभी मैंने राइट किया है और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इंटरफेस आपको शो होगा, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, इस जगह पर आपने अपना मैसेज टाइप करना है। मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करता हूँ और आपने यहाँ पर सेंड कर देना है। तो आपका मैसेज सेंड हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो आप बिना WhatsApp पर ऑन हुए किसी भी बंदे को मैसेज भेज सकते हैं आसानी के साथ। अभी एक और WhatsApp की बहुत ही कमाल की ट्रिक, अगर आपको कोई बंदा WhatsApp ग्रुप्स में ऐड कर देता है बार बार और आप चाहते हो कि मुझे कोई बंदा भी WhatsApp ग्रुप में ऐड ना करे, उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। अकाउंट में जाने के बाद आपने यहाँ पर
प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा ग्रुप्स, आपने ग्रुप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने माई कॉन्टैक्ट्स कर देना है। माई कॉन्टैक्ट्स करेंगे तो आपने यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट सेलेक्ट नहीं करना और ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे तो अभी आपको कोई कॉन्टैक्ट भी आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आप चाहते हो कि आप WhatsApp में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएं तो उसके लिए आपको प्राइवेसी में जाना होगा। प्राइवेसी में जाने के बाद आपने फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा लास्ट पर। लास्ट पर ये ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ओके कर देना है। और अभी क्या होगा कि आप जब भी WhatsApp को ओपन करेंगे तो आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाना होगा और तब भी WhatsApp ओपन होगी। अभी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपनी WhatsApp को दो दफ़ा इंस्टॉल करना चाहते हो अपने मोबाइल में, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको एक WhatsApp होती है सिंपल और एक WhatsApp होती है WhatsApp बिजनेस। तो आपने WhatsApp बिजनेस को यहाँ पर सर्च करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा आप अगर अपनी WhatsApp में डार्क मोड को इनेबल करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, आपको चैट्स में जाना होगा। चैट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले थीम मिलेगी, थीम में आप लाइट भी कर सकते हो, लाइट करेंगे तो वाइट हो जाएगी, इसके अलावा आप डार्क करेंगे तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हो। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।